हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई क्रैक में। मैं चंदन कुमार। तो आज हम लोग बोर्ड का कनेक्शन समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पहले ही कि इस चैनल पर थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल की भी क्लास कराई जाएगी, तो आइए आज हम बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। तो देखते हैं, देखिए एक साधारण बोर्ड का कनेक्शन है ये, जिसमें हम 3 सॉकेट और 3 स्विच का प्रयोग किए हैं, और इसी से जो तो न्यूट्रल को हम सबसे इसके ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि न्यूट्रल, जब इंडिकेटर को न्यूट्रल मिल गया है तो इसको फेज की इसकी ज़रूरत होती है। तो फेज को हम फ्यूज के सबसे नीचे वाले भाग से ला करके कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन हो जाता है और इंडिकेटर अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फेज से, यानी फ्यूज के सबसे नीचे वाले पॉइंट से, फ्यूज के सबसे नीचे वाले पॉइंट से स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। स्विच के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद सभी स्विचों में, इसके नीचे वाले पॉइंट से सभी स्विचों में हम एक कनेक्ट लगाते हैं, इसके सभी स्विच के सभी पॉइंटों में। देखिए जैसा कि मैं कर रहा हूँ, स्विच के सभी नीचे वाले पॉइंट पे मैंने फेज जोड़ दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि न्यूट्रल, जो आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर न्यूट्रल है, यहाँ से हम एक न्यूट्रल लेते हैं, एक न्यूट्रल वायर हमने लिया, और सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन हमने कर दिया। अब ये सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है और इसमें हमें फेज चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस सॉकेट के एक तरफ और दोनों पॉइंट पर हम फेज का कनेक्शन कर देते हैं, जिससे इसके सॉक ये इसका कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब ये दोनों सॉकेटों पर न्यूट्रल हम लेते हैं, इसके इस पॉइंट से न्यूट्रल हम इसके इस पॉइंट से भी ले सकते हैं या यहाँ से भी ले सकते हैं, न्यूट्रल कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो न्यूट्रल इस पॉइंट से हमने लिया और इस सॉकेट के दोनों पॉइंटों पर हमने कनेक्ट किया। फिर उसके बाद यहीं से एक वायर लेकर के इस सॉकेट के दोनों पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी न्यूट्रल सॉकेट के एक तरफ कनेक्ट होना चाहिए, तो हमने न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पे कर दिया। उसके बाद इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस सॉकेट के दो पॉइंटों पर कनेक्ट किए, और उसके बाद ये ऊपर वाले पॉइंट से इस सॉकेट के इस पॉइंट पे हमने कनेक्ट किया। तो इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, बस यही करना है कि आपको हर सॉकेट में फेज और न्यूट्रल देना है। बस ध्यान ये रखना है कि फेज हमारा स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर आए और ऊपर वाले पॉइंट से ही वो फेज दूसरे सॉकेट में जाना चाहिए। तो चलिए आइए दोस्तों, अब हम इस बोर्ड को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं इस ड्राइंग में हमने फ्यूज और इंडिकेटर का प्रयोग किया था, लेकिन इस बोर्ड में इंडिकेटर और फ्यूज नहीं, साधारण है, इससे भी आसान है ये। इसमें केवल डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्टली आपको, तो देखिए मैंने डायरेक्टली इसमें एक न्यूट्रल का कनेक्शन सॉकेट में कर दिया, एक फेज का कनेक्शन हमने इसके स्विच में कर दिया, ताकि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इसके सॉकेट के एक साइड में हम कनेक्शन करेंगे। हाँ, स्विच के नीचे वाले पॉइंट से फेज लेंगे हम दोनों स्विचों में, जो आप देख पा रहे हैं ये दो स्विच हैं, इसमें हम डायरेक्टली कनेक्शन करेंगे ऊपर वाले पॉइंट से इस सॉकेट में कनेक्शन कर दिया। इसके बाद इस सॉकेट को न्यूट्रल की ज़रूरत है, तो हम एक तार ले लेंगे, एक वायर लेके न्यूट्रल हम इस पॉइंट से यहाँ हम दे सकते हैं। उसके बाद
इस सॉकेट के एक पॉइंट पे कनेक्शन कर देंगे। देखेंगे यहाँ शॉर्ट ना हो, एक दूसरे से तार टच ना करें। और इस स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए ऐसा ही आप देख पा रहे हैं, हमने इस सॉकेट को फेज दे दिया यहाँ। अब हमारा इस सॉकेट को न्यूट्रल की ज़रूरत है, तो न्यूट्रल हम इस पॉइंट से भी दे सकते हैं, इस पॉइंट से भी इसको हम न्यूट्रल दे सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ से हम नज़दीक देते हैं ताकि वायर हमारा कम लगे। इस तरह से हमारा पूरा बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक साधारण बोर्ड का कनेक्शन था, आगे हम इंडिकेटर और फ्यूज के साथ एक और बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं आगे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इस पे थ्योरी के लेक्चर के अलावा प्रैक्टिकली का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो